हर रहस्य से उठेगा पर्दा, हर सवाल का मिलेगा जवाब, क्योंकि अब खुलेगा हर सस्पेंस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का धमाकेदार शो सस्पेंस। चौबीस घंटे खतरा, हर पल महाविनाश का खौफ। दहाड़ रहा है सैलाब, दरक रहे हैं पहाड़। शहर शहर कयामत, खतरों के बीच रिपोर्टर। ये तमाम घर जो है ये पार्वती नदी की इस रौ में बह गए हैं। यहाँ पेट्रोल पंप था, यहाँ होटल थे, आगे सड़क थी। बारिश ने कुछ ऐसा कहर बरपाया कि मंडी मनाली हाईवे पूरी तरीके से ठप हो चुका है। ये जो आप प्रलयंकारी गर्जना सुन रहे हैं ब्यास नदी और सेतु नदी की, इसी गर्जना ने इस पूरे हिमाचल के मंडी शहर को दहला कर रख दिया। बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं और आप देखिए ये बगल में एक मंदिर दिख रहा है, डूब चुका है। जो गलियां हैं यहाँ पर इतना पानी है कि अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम डूब जाएं, इतना पानी यहाँ पर है। तस्वीरें आप देखिए राजधानी दिल्ली में यमुना बाजार की हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूरी तरह से जल भराव हो गया है इन कॉलोनीज में। तबाही की आंखों देखी, जल प्रलय का सस्पेंस। कुदरत की मार क्या होती है, जल प्रलय कितना खतरनाक हो सकता है, ये सवाल अब देश के कई हिस्सों के लिए डरावनी हकीकत बन चुके हैं। हिमाचल में पिछले तीन दिनों से बाढ़ और बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि देखकर कलेजा कांप उठता है। उत्तराखंड के कई इलाकों में सैलाब का प्रहार शुरू हो चुका है, पंजाब का भी बुरा हाल है। आज मेरे साथ देखिए उत्तराखंड से हिमाचल तक हाहाकार की आंखों देखी और जल प्रलय का सबसे बड़ा सस्पेंस। सैलाब का बवंडर और कयामत मंजर। हिमाचल उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक, पहाड़ से मैदान तक हर जगह हाहाकार मचा है। सैलाब के प्रहार से कहीं घर मकान ध्वस्त हो गए तो कहीं बरसों पुराना पुल बह गया। कुदरत के इस महाक्रोध के सामने इंसान बेबस नजर आ रहा है और इस विनाश लीला के बीच सामने आ रही है सैलाब से जूझती जिंदगी की कहानी। इसी तरह से अगर ये नदी जाती रही तो आगे आने वाले में गांव तक को खतरा हो जाएगा। 13-14 घर थे जो सब गिर गए सर, सब गिर गए, सामान के साथ में गिर गए, लोग बेघर हो गए सर। मेरी उम्र हो गई 8 साल, बिल्कुल आज तक ऐसा पानी नहीं आया, देखा है आज आया नहीं, आज तक पहली बार आये। ऐसा मंजर कभी नहीं देखा व्यास में? ना, कभी नहीं देखा है। ये घर में पानी बढ़ गया बहुत, इतना बेक ना खाना ना पीना, अभी गई थी पानी पुनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं आया है, कोई सहायता नहीं आई सानू, कोई भी नहीं। कल से परसों से परेशान हो रहे हैं बहुत, कोई चाय पानी, कोई रोटी पानी, कुछ नहीं पूछने आया यहाँ। सारे बेड बुड, सारिया पेटियां, सब बुरा हाल है, देखो कैसे सड़क पे बैठे हैं लोग। खतरा बड़ा है, संकट भारी है और सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। खासकर हिमाचल उत्तराखंड में लोग खौफ के साए में हैं, क्योंकि ना तो नदियों में उफान कम हुआ है और ना ही लैंडस्लाइड का सिलसिला थमा है। पहाड़ों पर विपदा भारी, 72 घंटे में भारी तबाही, सैलाब का खतरनाक अटैक, सबसे बड़े खतरे का अलर्ट। कब थमेगा कुदरत का तांडव, अगले 48 घंटे का बड़ा सस्पेंस। इस वक्त हिमाचल सबसे बड़ी तबाही से जूझ रहा है। हिमाचल की नदियों का प्रचंड उफान मानो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। हिमाचल के अलग अलग इलाकों में कई जगह मकान और पुल बह गए हैं, कई जगह अब भी सैलानी फंसे हुए हैं और इस बड़ी तबाही के बीच दहशत की जो कहानी सामने आ रही है उसे देखकर हर किसी के जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि हिमाचल में मचा हाहाकार कब थमेगा। हिमाचल ने ऐसी त्रासदी पहले कभी नहीं देखी थी।
ब्यास नदी का प्रचंड उफान से पहाड़ पर हाहाकार मचा रहा है। हिमाचल में पिछले 3 दिनों से ऐसा कोहराम मचा है कि देखकर रूह कांप उठती है। पहाड़ की चोटी से मंदिर के शिखर पर गिरती व्यास नदी कितने क्रोध में है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। हिमाचल पर व्यास नदी का गुस्सा भारी पड़ रहा है। व्यास हिमाचल के किन इलाकों में तबाही मचा रही है, ये जानने से पहले इसके रूट को समझिए। व्यास रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजल में व्यास कुंड से निकलती है। ये सड़क के साथ साथ बहती हुई सोलंग पहुंचती है। व्यास नदी हिमाचल के 4 जिलों में बहती है, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा। व्यास मीरथल मीलवान के रास्ते पंजाब में प्रवेश करती है। मतलब इस वक्त व्यास नदी हिमाचल के जिन इलाकों से गुजर रही है वहां इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर मनाली से लेकर मंडी तक करीब 107 किलोमीटर के रास्ते में दिखाई दे रहा है। ये देखिए किस तरह गाड़ियां नाव की तरह तैर रही हैं। सैलाब मलबे के साथ सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा है। कुदरत के कहर की इन तस्वीरों को भी देखिए। ये मकान महज 6 सेकंड में सैलाब की चपेट में आ गया। सिर्फ 6 सेकंड में 2 मंजिला मकान पानी में बह गया। लोग देखते रह गए। और ये है कुल्लू से आई तस्वीर। कुल्लू में भारी तबाही हुई है। एबीपी न्यूज पहला ऐसा चैनल है जो कुल्लू तक पहुंचा। ये असल में जो आप देख रहे हैं ये 2 नदियां हैं। ये जो सामने इस वक्त कैमरा है जहां, ये पार्वती नदी आ रही है और पार्वती नदी के तरफ जो है आप विनाश लीला जो है उसको देख सकते हैं। सामने जो नजर आ रहा है ये नीली छत जो है, ये दरअसल एक पेट्रोल पंप था जो पूरी तरह इस पार्वती नदी में बह गया है। और ये है मंडी का पंचवक्त्र मंदिर। ये देखिए यह मंदिर के शिखर तक व्यास नदी का पानी पहुंच गया। आसपास के मकान और होटल तो पहले ही पानी में समा चुके हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन मंदिर के भीतर पहुंचे तो उन्हें मलबे के नीचे सिर्फ नदी के निशान दिखाई दिए। शिवजी का ये मंदिर है, ये नंदी बैल के सींग जो हैं, ये 2 जो हैं ये नजर आ रहे हैं और बाकी सारा का सारा जो बैल है, नंदी बैल है, वो जो है वो रेत से ढका हुआ है। इसकी अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जो ब्यास नदी का जलस्तर था वो किस तरीके से बड़ा था। 300 साल पुराने इस मंदिर में पंचमुखी प्रतिमा है। संवाददाता सचिन के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय मंदिर में दाखिल हुए। कुछ घंटे बाद मंदिर में नदी दिखाई देने लगी। ये मंदिर के भीतर का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से ये गाद साफ की जा रही है। देखिए नंदी जी विराजमान हैं और यहाँ तक आपको देखिए जहाँ पर ये लोग खड़े हैं, पूरा ये मंदिर में ये गाद यहाँ पर जम गई है और यहाँ से सफाई अब इसको इसकी की जा रही है। पंचमुखी शिव भगवान की ये मूर्ति है और एक अहम बात ये है कि सदियों पुरानी इस मूर्ति का दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। मंडी से कुल्लू तक का रास्ता 70 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते पर कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। यहाँ पहुँचे एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह सड़क पर गिरे पत्थरों ने पहाड़ का रास्ता ठप कर दिया है। किस तरीके से एक बड़ी लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर हाईवे पर हुई है और आप देख सकते हो अब रास्ते को खोलने की जो कवायद है वो चल रही है। सिर्फ ये एक पहली लैंडस्लाइडिंग नहीं है, मंडी से मनाली के बीच रास्ते में कई इस तरह की लैंडस्लाइडिंग हुई है। हिमाचल में सैलाब से मची तबाही में सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें मनाली से करीब 111 किलोमीटर दूर चंद्रताल की है। खबर है कि यहाँ करीब 300 सैलानी फंसे हैं। चंद्रताल तक जाने का रास्ता मुश्किलों भरा है, यहाँ पहुँचने में घंटों लग जाते हैं। यहाँ झील से कुछ दूर पहले इस तरह के टेंट बनाए जाते हैं जहाँ पर पर्यटकों को रुकना होता है और यहाँ से करीब 10 मिनट चलने के बाद वो चंद्रताल झील दिखाई पड़ती है जो समुद्र तल के 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। चंद्रताल में फंसे पर्यटकों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और ये है हिमाचल प्रदेश के मंडी का सोलिखंड गांव। यहाँ 3 से 4 दिन की भारी बारिश के बाद गांव 10 से 15 फीट पानी में डूब गया है। पानी निकल गया लेकिन घर के भीतर मलबे का पहाड़ छोड़ गया है। 5 से 6 फीट का एक दरवाजा सा नजर आ रहा है, दरवाजा नहीं है, पूरा घर
अंदर मिट्टी से भर चुका है, रेत से भर चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि इस बरसात ने किस तरह का अपना रौंद रूप दिखाया, हिमाचल के लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा। पूरे के पूरे जो घर है वो तबाह हो गए, रेत से भर गए हैं, मिट्टी से भर गए हैं। ये इस कमरे के अंदर अगर आप देखिए तस्वीरें, हैरान करने वाली है। ये बता रही है कि किस तरीके से व्यास नदी ने अपना रौंद रूप लिया था। गांव वाले बताते हैं कि व्यास नदी का ऐसा रौद्र रूप पहले कभी नहीं देखा। खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर में जोरदार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। वहीं सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौर स्पीति में 24 घंटे के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। हिमाचल के पहाड़ों की तरह उत्तराखंड में भी तबाही ने दस्तक दे दी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट की घोषणा की है। वहीं खतरे को देखते हुए केदारनाथ की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड से आई तस्वीरें भी डराने वाली है। ये देखिए पिथौरागढ़ के धारचूला में किस तरह चंद पलों में ही ये मकान मलबे में मिल गया। इन तस्वीरों में तबाही का ट्रेलर साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ काली नदी इस कदर विकराल है कि धारचूला के खोतिला गांव के मकान उफनती नदी में समा गए। यहाँ रह रहे 100 से ज्यादा परिवारों को मजबूरी में दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। नदी देखिए, नदी की तस्वीर देखिए, नदी अपने उफान पर है। डैम से भी पानी छोड़ दिया है इस नदी में, इसकी वजह से भी नदी का उफान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगा। प्रशासन की तरफ से ये भी जानकारी मिली है कि डेंजर लेवल के ऊपर इस वक्त काली नदी बह रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बारिश लगातार इस इलाके में हो रही है, रेड अलर्ट भी है। ऐसे में अगर जो नदी के आसपास के इलाके हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, उनको तुरंत वहाँ से हटने के लिए कहा गया है। जिस पहाड़ी पर खोतिला गांव बसा है उसके निचले हिस्से की जमीन को उफनती काली नदी लील कर रही है। नदी के तेज प्रवाह से यहां की जमीन लगातार धस रही है। पहाड़ का एक हिस्सा भर भरा कर नदी में जा गिरा। इन्हीं तस्वीरों ने दहशत फैला दी है, वो इसलिए क्योंकि अब तो गांव पर खतरा पैदा हो गया है। जिस पहाड़ी पर गाँव की बुनियाद टिकी हुई है उसे उफनती हुई काली नदी अपने वेग से लगातार काटते जा रही है। काली नदी में बड़े बड़े बोल्डर आने की वजह से उसकी दिशा भी बदल गई है, लिहाजा खोतिला गांव के निचले हिस्से पर आफत आ गई है। वो टूट टूट कर पानी में समा रहा है। काली नदी इतने रौद्र रूप में है कि यहां पुल बनाने के काम में लगी जेसीबी मशीन डूब गई। जेसीबी ऑपरेटर ने कूद कर अपनी जान बचाई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जेसीबी मशीन जो है वो पानी में डूबी हुई आपको नजर आएगी। इस गनीमत ये रही कि जिस दौरान ये पानी में डूबी मशीन, उस दौरान ऑपरेटर जैसे तैसे इसे कूद कर अपनी जान बचा पाया और उस वो यहाँ से बाहर निकल पाया। लेकिन स्थिति ये है कि मशीन जो है वो धीरे धीरे पूरी तरह से डूबती हुई नजर आ रही है। भारी बारिश से तबाही की ये तस्वीर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार की है। लोकल नदी में इतना तेज उफान आया कि दो रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाली ये पुलिया टूट गई। उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके से आई इन तस्वीरों ने पिछली आपदा की याद दिला दी है। बताया जा रहा है कि हिमालय इलाके में ग्लेशियर टूटने से नदी में अचानक सैलाब आ गया। नदी का वेग इतना तेज है कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। बड़े बड़े बोल्डर, पेड़, चट्टाने, सब कुछ नदी के साथ आ गया। नदी अपने साथ कितने बड़े बोल्डर बहाकर लाई इन तस्वीरों के जरिए समझिए। एक विशाल बोल्डर पुल के नीचे अटक गया। अब तो पुल पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि नीचे नदी में उफान बहुत तेज है। अभी तक जो मानसून की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन हर समय अलर्ट मोड पर है और जहां भी सड़कें बंद हो रही हैं या ग्रामीण मार्ग या NH या SH तो तुरंत खुलवाने के लिए हम लोगों ने जगह जगह पर JCB लगा रखी है। भारी बारिश से पंजाब हरियाणा के बड़े हिस्से में बाढ़ का मंजर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। ये तस्वीर हरियाणा के अंबाला से आई है।
ड्रोन की नजरों में अंबाला आज ऐसा दिख रहा है। यहाँ बरसात का पानी बाढ़ की शक्ल में गली गली में घुसा हुआ है। अंबाला की दर्जन भर रिहायशी कॉलोनियां बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए यहां एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू के साथ ही साथ कोशिश ये भी की जा रही है कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए। और देखिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो गलियों में जा जाकर और लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रही है। देखिए जो जवान है ये पहुंचे हैं, कुछ लोगों को खाने की सामग्री दी जा रही है और पीने का पानी दिया जा रहा है। ये सब बेसिक चीजें हैं जिसके बिना काम चल नहीं सकता। 3 दिन लगभग हो चुके हैं इन लोगों का यहाँ पर फंसे हुए और बताया जा रहा है कि कल शाम से हालात बहुत ज्यादा खराब हुए। बाढ़ में फंसे लोगों का हाल जानने के लिए मंत्री अनिल विज कुछ इस अंदाज में निकले। मंत्री जी नाव पर सवार थे और सिक्योरिटी वाले उनकी नाव को खींच रहे थे। सस्पेंस में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।